अस्सलामु अलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अफला चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोभी मटर शिमला मिर्च का सालन। गोभी मटर शिमला मिर्च का सालन बनाने के लिए एक मीडियम साइज गोभी को साफ करके मीडियम साइज इस तरह से यह कट करके वॉश कर लिया है। थोड़े से मटर इसको भी वॉश कर लिया है। टू मीडियम साइज चॉप्ड ऑनियंस और बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते और दो से तीन चॉप्ड टोमेटोस, वन रफली चॉप्ड कैप्सिकम और तीन से चार हरी मिर्च को वह हाफ ऑफ कर लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक वेजल या कढ़ाई लेकर फ्लेम को ऑन कर लिया है। इसमें 1 to 2 स्पून ऑयल डालकर प्याज डालेंगे। प्याज को पकाना है 3 to 4 मिनट्स के लिए। प्याज लाइट तल चुकी है। इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी डालकर भून लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक, गोभी, मटर डालकर मिक्स करेंगे। वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, हरी मिर्च, 1 ग्लास पानी डालकर लिड बंद करके 5 मिनट्स के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है। आफ्टर 5 मिनट्स इसमें कैप्सिकम, टमाटर डालकर मिक्स करेंगे। थोड़ा पानी डालकर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। धनिया के पत्ते डालकर 1 मिनट के लिए पकाना है। इनको ऑफ करके एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। गोभी मटर शिमला मिर्च का सालन बनकर तैयार है। इसको रोटी या खाने के साथ सर्व करिए। आपको इस रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकॉन है इसको भी प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करूंगी इसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर।